जय भीम, जय भारत। एक वो अंबेडकर युग था जब पूरे विश्व के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत देश का संविधान लिखा था और शोषितों, वंचितों, दलितों, नारी के सम्मान में उन्हें उनका खोया गया सम्मान वापस दिलाया था। गुलामी की बेड़ियां तोड़ी थी, पूरे देश को लोकतंत्र की डोर में पिरोकर भारत देश को लोकतंत्र दिया था। सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के मसीहा हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरा विश्व हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस जैसी महामारी COVID-19 एक गंभीर विपदा पूरे मानव जीवन पर आन पड़ी है। ये संकट का दौर है जहां पूरा विश्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती नहीं मना पाएगा। ऐसे में पूरे विश्व में रह रहे बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारियां इस जयंती के प्रति पहले से ही कहीं अधिक बढ़ जाती हैं। हम हर वर्ष बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार यह दायरा हमारा बहुत छोटा होगा। यह दायरा हमारा एहसास कराएगा हमें कि मानवता के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, बहुजन समाज के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और इन जिम्मेदारियों पर हमें खरा उतरना होगा। इन जिम्मेदारियों का एहसास हमें अपने दिल के अंदर करना होगा, और वो हम तभी कर पाएंगे जब बाबा साहब अंबेडकर जी को जिसने नहीं पढ़ा हो वो पढ़ लीजिएगा, और पढ़कर बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए गए मिशन पर पूरा जीवन हमें न्यौछावर करना होगा। क्योंकि आज जो दिया है ना, वो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा ही हमें दिया गया है। वरना हम गंदी नाली के कीड़े हुआ करते थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमारे गले में हांडी हुआ करती थी और हमारे पिछवाड़े पर झाड़ू हुआ करती थी। आखिर कब तक ये हम रोना रोते रहेंगे? अब हमें बाबा साहब अंबेडकर जी की शिक्षाओं का, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा। याद रहे, सिर्फ एक दिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी को याद कर लेने भर से आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं। आने वाली 14 अप्रैल 2020 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। सिर्फ एक ही दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में चर्चाएं करना, यह बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन के साथ धोखा है। मेरा मानना है कि ये स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन के साथ ही नहीं, स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ ही धोखा है। क्योंकि आप एक दिन याद करेंगे और 365 दिन भूल जाएंगे। ऐसा मत करिए, ऐसे सपने बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं देखे थे। आपको पूरे 365 दिन बाबा साहब अंबेडकर जी के मूवमेंट पर काम करना है, उनके मिशन पर काम करना है। ये याद रहे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती है। सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, कोई भी साथी आतिशबाजी नहीं करेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर लॉकडाउन को नहीं तोड़ेंगे। ये जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। इन कानूनों का पालन, संविधान का पालन बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधाराओं का पालन करने के बराबर है। और हाँ, एक बात और कहूँगा, जिंदगी में यदि आप बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को आगे ना ले जा सको ना, तो इसे पीछे भी मत जाने देना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी ने बोला था। और आज अपनी ढपली, अपना राग अलापने के बजाय आप विचारों को माने, आप बाबा साहब अंबेडकर जी की
विचारधारा का जो निर्माण उन्होंने किया, हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा का जो निर्माण हुआ, उनका आप प्रचार प्रसार करें और खुद में भी अमल करें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ही कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। याद रहे, यदि आप मजबूत हैं, आप शिक्षित हैं, आपका परिवार शिक्षित है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यह फैसला आपको लेना होगा, यह प्रण आपको करना होगा। सबसे पहले आपको अपने परिवार को शिक्षित करना होगा, उसके बाद समाज की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर होगी। पूरे समाज को शिक्षित करना होगा, बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला मूल मंत्र आप सभी को मिलजुल कर सफल बनाना होगा। यह क्रांति है, कहने को बहुत अच्छी लगती है, बाबा साहब अंबेडकर जी की 21वीं सदी की नीली महाक्रांति, लेकिन यह महाक्रांति शिक्षा से ही सफल हो सकती है। जब आप अपने परिवार को, पूरे समाज को, उसके बाद अपने जिला को, अपने राज्य को अगर आप सफल कर पाएंगे, शिक्षित कर पाएंगे, संपूर्ण बहुजन समाज को आप शिक्षित कर पाएंगे, तो निश्चय ही पूरा देश शिक्षित होगा। देश जातिवाद से मुक्त भी होगा, छुआछूत से मुक्त होगा, तमाम बीमारियों से मुक्त होगा, जो आज जाति धर्म को लेकर पूरे देश को पीछे की तरफ धकेल रही है। यह भी हमारे देश के लिए एक हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो भारत देश का निर्माण होता है, बहुजन समाज का निर्माण होता है। एक दिन मात्र बाबा साहब को याद करके आप अपना पल्ला मत झाड़िए। आप पूरे 365 दिन बाबा साहब के बताए गए मिशन पर काम करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी है और यही बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना भी था। आप बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पहले से भी करते आए हैं, आप दीप प्रज्वलित करेंगे। दिवाली की तरह पहले बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आप मनाते थे, लेकिन इस बार आपको लॉकडाउन की वजह से, इस गंभीर महामारी की वजह से अपने घर में सीमित रहना होगा। दीप प्रज्वलित करके बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनानी होगी, लेकिन क्या इतना भर काफ़ी है? हम एक दिन हमारे मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी को तो याद करेंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी ढर्रे पर आ जाएंगे, जो कि संगठित होने की तरफ इशारा नहीं करता, जो कि संघर्ष की तरफ इशारा नहीं करता, जो कि शिक्षित होने की तरफ इशारा नहीं करता है। ये इशारा डॉक्टर अंबेडकर जी का इशारा, जो उन्होंने तीन मूल मंत्रों के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को दिया है, आप उसी कदम पर चलें, उसी पथ पर चलकर आप पूरे बहुजन समाज का भला कर पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के तीन मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। किसी भी कौम के लिए संघर्ष करना, संगठित होना और शिक्षित होना मुख्य धारा में आने के बराबर है। ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दे तो दिया, लेकिन क्या आप इसे ले पाएंगे? डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी कौम को शिक्षित कीजिए। एक दिन बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करके सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना कीजिए। आप हमेशा 365 दिन बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करेंगे, उनकी विचारधारा का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। और ये भी याद रखना, हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं, हम पहले और अंत में भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। इस विश्व के प्रति, मानवता के प्रति, पूरे भारत देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप उस दिन अगर 10 रोटी अपने परिवार के लिए बना रहे हैं तो इसकी संख्या डबल कर दीजिएगा। आपके आसपास कोई भूखा ना सोए, आप उसे खाना खिलाइएगा। जो साथी सक्षम है, भीम सेना का नॉन स्टॉप लंगर चल रहा है,
पूरे देश में अंबेडकरवादी साथी और मानवता को मानने वाले साथी, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कौम से हैं, मदद कर रहे हैं उन गरीबों की, उन मजलूमों की जो आज इस लॉकडाउन और गंभीर महामारी के कारण भूखे मरने पर मजबूर हैं। तीन विशेष स्तंभ हैं इस देश के लोकतंत्र के, लेकिन आज इस गंभीर विपदा में जो स्तंभ हैं मुख्य तौर पर पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, आज पूरे देश की निगाहें उन सभी पर टिकी हुई हैं। हम सैल्यूट करते हैं देश के डॉक्टर्स को, देश की पुलिस को और देश के सफाई कर्मचारियों को। आज उन्हीं की बदौलत हमारा पूरा देश संघर्ष कर रहा है। आप उन सभी का हौसला बढ़ाकर उनको एक नई ऊर्जा देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। एक मिनट की, दो मिनट की वीडियो आप स्पेशल सफाई कर्मचारियों के लिए, पुलिस विभाग के लिए और डॉक्टर्स के लिए बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि इस गंभीर महामारी से हम जीतेंगे। आज नहीं तो कल हम अवश्य जीतेंगे। नियमों का पालन करेंगे, अपने घर में कैद रहेंगे, लेकिन 365 दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये ध्यान रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये नहीं चाहते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चाहते थे कि आप संपूर्ण समाज के बारे में सोचें। उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा है, देश के बारे में काम किया है, देश के बारे में लिखा है और देश को एक नया ग्रंथ भी दिया है, देश को नए विचार दिए हैं, देश को पाखंडवाद से मुक्त कराया है, देश को जातिवाद से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया है। उस ग्रंथ का नाम है संविधान। संविधान की रक्षा तभी होगी जब आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए गए रास्ते पर चलेंगे, अपने घर में हर व्यक्ति को शिक्षित बनाएंगे, संगठित करेंगे और संघर्ष करेंगे पूरे समाज के साथ मिलकर। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे देश की है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वह अपने आप में सक्षम हैं, यदि तो आप इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच, इस गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के बीच उन लोगों की मदद करें जिनको मदद की जरूरत है। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप यदि सक्षम नहीं हैं तो भी आप भारत सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए पूरे भारत देश में एक अच्छा अभियान चलाएंगे। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान।